हमारी बेटी भी लावारिस नहीं है भाई साहब। मीरा चलो हम कराची जा रहे हैं, चले। मैं कराची नहीं जाऊंगी, मैं अमरती सिंह के पास रहूंगी। तो तुम कहाँ रहोगी? भाभी बेगम ने तो तुम्हें घर से निकाल दिया है। मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी। तुम्हारा शौहर होने से पहले मुर्तसिम मेरा बेटा है, तुम नहीं मिल सकती उससे। हाँ बेगम, बस आप एक दफा मुझे उससे मिलने दें। मैं मुर्तसिम को एक दफा देखना चाहती हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से। इस नजरे करम का मतलब समझ में नहीं आया मेरी। तुम किससे मिलना चाहती हो? कब तक किसी का दामन पकड़ोगे जब वो अपना दामन खुद छुड़ाना चाहे? इसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मीरा अब नहीं आएगी। इस बात का क्या मतलब हुआ? मैं उससे मिलने जा रही हूं। नहीं जाओगी, नहीं जाओगी तुम। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम वहां ना जाओ जहां तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करके निकाला गया है। हाँ, लेकिन मुर्तसिम ने मुझे उस घर से नहीं निकाला, वो तो जानता भी नहीं है। जान जाएगा तो आ जाएगा, और देखते हैं कब तक